वो वाले वीडियो तो आपने आई एम श्योर पक्का देखे ही होंगे जिसमें बोलते हैं कि रात भर ये लगा लो और सुबह को आपके डार्क सर्कल्स ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसे ये वाला वीडियो वो बिल्कुल नहीं होने वाला है, इसमें टाइम लगेगा, शुरू में ही बोल देती हूँ, बिकॉज टाइम लगता है। 5-7 दिन तो नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें टाइम लगता है। एंड आई एम नॉट लाइक कि मैं आपको पूरी स्टोरी बता रही हूँ कि क्या मेरे लिए काम किया है, सिर्फ DIYs बता के पीछा नहीं छुड़ा रही हूँ कि मैंने DIY बता दिया, अब सूट करता है तो करो, नहीं करता है तो आई रियली कांट हेल्प इट। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट, प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल, और बहुत 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 स्वागत करते हैं आपका इस पर्टिकुलर वीडियो में। अगर आपको पता है कि मैं इस वीडियो में आपका स्पेशल तरीके से स्वागत क्यों कर रही हूँ, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। रिक्वेस्टेड एज इन मैंने ही माहौल बनाया था एक पुराने वीडियो में, उस पुराने वीडियो का लिंक आपको आईबटन पे मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर वीडियो में वो एक हेयर केयर वीडियो था जिसमें मैंने कुछ ट्राई किया था, और मैंने आपके साथ में बोला था कि आप नोटिस कर सकते हैं क्या कि मेरे डार्क सर्कल्स लिटरली जा चुके हैं या जा रहे हैं, क्योंकि मेरे को पहले बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स थे, मतलब मेरी पैंडा आइज दिखती थी बिकॉज ऑफ यू नो ऑल दैट वर्क जो हम लोगों को करने को मिलता है। एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट, आई डोंट रिग्रेट। डार्क सर्कल्स को तो चलो ठीक है, फिर भी कुछ कर लेंगे, बिकॉज यू नो काम मेहनत जो लाइक यू नो मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है, लाइक इन्जॉय वर्किंग, सो आई एम नॉट एट ऑल कंप्लेनिंग ऑन दैट। लेकिन हाँ, डार्क सर्कल्स भी अच्छे नहीं लगते हैं, तो उनको भी ट्रीट करना एकदम बराबर बराबर जरूरत होती है। तो वैसा ही एक मैंने आपको शेयर किया था कि आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे बताइएगा। आप लोगों ने मुझे बहुत बार पूछा कि कोमल प्लीज वो डार्क सर्कल वाली रेमेडी शेयर कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ, ये वीडियो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने वाला है। हम सारी चीज़ें बात करेंगे कि क्या चीज़ें मैंने ट्राई करी हैं, किन चीज़ों ने काम किया है, किन चीज़ों ने काम नहीं किया है। और अगर मैं बात करूँ सिर्फ और सिर्फ DIYs की, जो कि मैं एक आध वीडियो में बता चुके हूँ आपको, DIYs में भी क्या होता है, बहुत सारे लोग रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। वो ट्राई तो करते हैं, एक्सेसिबल भी होते हैं, चीज़ें भी सस्ती होती हैं, आराम से मिल भी जाती हैं, लेकिन द थिंग इज ट्विस्ट कहाँ आता है, जब वो चीज़ें आप पे काम नहीं करती हैं। और होता क्या है, बिकॉज यू नो आई मीन डार्क सर्कल्स होने के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स हो सकते हैं, किसी को जेनेटिक्स की वजह से हो सकता है, किसी को स्लीप के कारण हो सकता है, लेकिन आई एम श्योर बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो बोलते हैं कि कोमल हम तो स्ट्रेस भी नहीं लेते, हम तो मज़े से सोते भी हैं, फिर क्यों है डार्क सर्कल्स। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कुछ ऐसे ही ट्विस्ट वाले रीजन्स के बारे में कि क्यों आप बन जाते हैं पैंडा आइज वाले। चलिए जानते हैं इसका रीज़न और देखते हैं कि क्या चीज़ों ने मेरे लिए काम किया है, और DIYs भी हम देखेंगे पक्का जो काम करते हैं लिटरली। मेक श्योर हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए। सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है उसको पक्का हिट करिएगा, वरना आपको वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, बहुत लंबा वीडियो होगा। चलो तो हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप, पूरा प्लानिंग के साथ में आई हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं डार्क सर्कल्स के कारण क्या होते हैं, क्योंकि अगर हमने सबसे पहले इलाज की बात करी तो हो सकता है कि आप वो जब इलाज करना बंद कर दें तो आपके डार्क सर्कल्स वापस से आ जाएं। तो हमको पहले जानना पड़ेगा कि डार्क सर्कल्स आखिर हमको हो क्यों रहे हैं। डिफरेंट रीजन हो सकते हैं उसके, ना सोना या कम सोना और स्ट्रेस लेना तो एक है ही है, लेकिन मैं वो चीज़ आपको नहीं बोलूंगी, वरना आप लोग बोलोगे कि वो ही लाइक यू नो ओल्ड वाइन बींग सर्व्ड इन अ न्यू ग्लास, तो वाला कंसेप्ट नहीं है। सबसे पहले मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ, एक जो मेन रीजन होता है आपके डार्क सर्कल्स का वो होता है सूरज। सूरज को तो आप जानते ही होंगे, प्यार किया तो डरना क्या है कि सूरज स्लैश सलमान की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ सन रेज की। नाउ सूरज किस तरीके से परेशानी करता है हमारे डार्क सर्कल्स होने में, वो इसलिए अगर आपने नोटिस किया हो, आपको पता ही होगा इतना बेसिक तो, कि हमारी जो यू नो बाकी की स्किन होती है वो हमारे अंडर आई एरिया से बहुत ज़्यादा मोटी होती है, ज़्यादा लेयर्ड होती है, जबकि हमारी जो अंडर आई जो स्किन होती है उसमें ब्लड वेसल्स हमको दिखने लग जाते हैं, ब्लड वेसल्स हमको दिखते हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा पतली स्किन होती है, तो उसकी टेक केयर भी बड़ी नाजुक सी होती है, बड़ी तरीके वाली होती है। तो वो क्या करता है, सन हमारे आईज पे अटैक करता है, हमारी जो अंडर आई एरिया होता है वो बर्न हो जाता है, उसकी वजह से वो काली दिखने लग जाती है, पहला रीज़न ये। दूसरा जो इम्पोर्टेंट रीज़न है वो ये कि आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं, जैसे कोई फेस क्रीम इस्तेमाल करना, कोई फेस वॉश इस्तेमाल करना जिसमें बहुत ज़्यादा खुशबू है, या फिर मेकअप इस्तेमाल करना जिसमें बहुत ज़्यादा खुशबू है और बहुत ज़्यादा कलर है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इचनेस वाली यू नो रीजंस हो सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा इचनेस हो जाती है जो कि आपके डार्क सर्कल की जो प्रॉब्लम है उसको और ज़्यादा बढ़ा सकता है। मेरे हर वीडियो का कुछ ना कुछ तो मतलब निकलता ही है, जो कि मैं आगे भी CF कैरी फॉरवर्ड करती रहती हूँ। तो इसमें एक और पॉइंट आता है कॉफी पीने का। अगर आप मेरा रीसेंट अभी एक मैंने वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऐसी कौन सी 10 चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है जिससे आप आपकी स्किन को खराब होने से बचा सकते हैं, उसका लिंक आपको आईबटन में मिल जाएगा, आप जरूर चेक करेगा, वो बहुत अच्छा वीडियो है। उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको कॉफी नहीं पीनी है, ज्यादा कॉफी नहीं पीनी है। यहाँ पे मैं कॉफी लगाने की बात
बात नहीं कर रही हूँ, कॉफ़ी पीने की बात कर रही हूँ। कॉफ़ी पीने से क्या होता है, हमारी स्किन डिहाइड्रेटेड हो जाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, डार्क सर्कल होने का एक बेस कॉमन रीज़न हो सकता है डिहाइड्रेशन, बिल्कुल सूखी त्वचा। सूखी त्वचा से ना सिर्फ डार्क सर्कल्स होते हैं बल्कि उससे रिंकल्स भी होते हैं, क्योंकि हमारी स्किन जो है वो खिंचने लग जाती है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से हमको डार्क सर्कल हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको किस तरीके से टेक केयर करनी है और मैं किस तरीके से टेक केयर कर रही हूँ। बात करते हैं हम इसके कि मैंने क्या क्या यू नो प्रोटेक्शन किया था, किस तरीके से मैंने डार्क सर्कल्स को क्योर किया है। सबसे पहले यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मेरे पास नोटेड हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, वेयर करना है सन ग्लासेस। आई नो मैं यहाँ पर स्टूपिड साउंड कर रही हूँ कि स्टाइल के लिए पहनी है, लेकिन जहाँ पे आपको लगता है कि आपके आईज पे अटैक हो रहा है सन एक्सपोजर की वजह से, प्लीज कंसिडर करेगा पहनना। लोग आपको चाहे समझे कि यार हर जगह पहन के चल जाते हो, लेकिन प्लीज पहनिए, प्लीज पहनिए, बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है आपको। दूसरी चीज, ये खुशबू और जो रंग वाली चीजें होती हैं बिल्कुल आंखों के आजू बाजू ना लगाएं, लाइक इस आई एरिया को बिल्कुल छोड़ दीजिए। अब आप बोलेंगे कि देखिए जो कलर करेक्टिंग वगैरह हम करते हैं, तो यू नो ट्राई करिए कि कुछ आप थोड़े से डिसेंट अमाउंट वाले जो डिसेंट ब्रांड वाले जो चीज़ें होती हैं उनमें इन्वेस्ट करें। उनमें ज़्यादा खुशबू भी नहीं होती है, इंग्रेडिएंट्स भी ठीक ठाक होते हैं जो आपकी स्किन के लिए हल्का फुल्का सेफ भी है, तो वंस इन अ वाइल यू कैन यूज़ दैम। अगर मैं बात करूँ ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आपको करनी चाहिए, देखिए सनस्क्रीन वेयर करना, जब भी आप बाहर जाएं आपको सनस्क्रीन लगाना है। चाहे आप न्यूट्रीजेना का लगा सकते हैं, और मेको वाओ का भी इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं ऑलमोस्ट इसको फिनिश कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा सनस्क्रीन है। कोई सा भी सनस्क्रीन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाहर जाने से पहले मेक श्योर करना है कि आप सनस्क्रीन लगा रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं, आलू का तो नाम आपने सुना ही होगा, होम रेमेडी की मैं बात कर रही हूं। अगेन ज़रूरी नहीं है कि ये वाली सारे लोगों की डार्क सर्कल्स को ख़त्म कर दे, मोस्ट ऑफ के में ख़त्म कर सकती है, लेकिन यहाँ पे आलू को भी लगाने का एक नुकसान तो है ही, क्योंकि जब आप सूखी सब्जियाँ और ये सब लगाते हैं, DIYs लगाते हैं, इनसे आपकी स्किन, इनका जो रस होता है वो आपकी स्किन में जाता है। उसकी वजह से एक तो ऑलरेडी हमारी स्किन यहाँ की डिहाइड्रेटेड है, ऊपर से जो वो फलों का जो सब्जियों का रस हमारे, जैसे खीरा भी हम लगाते हैं, उससे हमारी जो आंखों के आसपास वाला एरिया और ज़्यादा ड्राई होने के चांसेस हो जाते हैं। तो वो आपको ज़्यादा नहीं करना है, वो नुकसान भी कर सकता है, फ़ायदे थोड़े रहेंगे नुकसान शायद ज़्यादा हो जाए, तो आपको उसको केयरफुली करना है। आप चाहें तो वीक में उसको एक बार कर सकते हैं या दो बार कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करिए। लेकिन अगर आप उसको कर भी रहे हैं तो आप किस तरीके से उसको बैलेंस कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं नारियल का तेल। कोकोनट ऑयल का नाम किसने नहीं सुना होगा, कोकोनट ऑयल जब हमको बचपन में लग जाती थी, डार्क स्पॉट्स रह जाता था, वहाँ पे भी मम्मी हमको वही लगाती थी। आपको क्या यूज़ करना है, आपको एक ऐसी चीज़ यूज़ करनी है, लुब्रिकेंट यूज़ करना है, जिससे आप वो जो ड्राइनेस होती है उसको हटा पाएं। तो मुझे जो पर्सनली मैं यूज़ करती हूँ, दैट इज़ वेर इज़ दैट, ओ कम ऑन, मैं ना एक्चुअली आईब्रो ऑयल ले आई आमंड ऑयल की जगह, वेट मोमेंट, मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ आमंड ऑयल। ये आप इस ब्रांड का लें या फिर एक कोई सा भी ब्रांड ले लें जिसमें प्योर आपको आमंड ऑयल मिलता हो। अगर आप बोलेंगे कि बजाज आमंड ड्रॉप्स इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं भैया वो नहीं, वो आपके बालों के लिए भी अच्छा कर ले तो वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कुछ ऐसा प्योर फॉर्म में आप इस्तेमाल करें आमंड ऑयल, समथिंग लाइक दिस। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है, ये डार्क सर्कल्स को एकदम से चुटकियों में गायब नहीं कर देगा। ऑब्वियसली मिस्टर इंडिया थोड़ी है, डार्क सर्कल्स ऐसे चले जाएंगे, नहीं होता, इसमें टाइम लगता है लेकिन ये होगा। इस पे भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, आपको ज़रूर देखना चाहिए, कि मैं पिछले साल भी इसी प्रोडक्ट पे, लाइक आई वाज देयर ऑन दिस प्रोडक्ट, कि मैं इसको यूज़ करती हूँ, अभी भी मैं यूज़ कर रही हूँ। एक ये चीज़ है, एक जो नई चीज़ मैंने इस्तेमाल करी थी वो थी क्या, अगेन एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि मेरे लिए ये चीज़ काम करी है तो आपके लिए भी करे, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट पे रिलाई करना या किसी भी प्रोडक्ट पे ऐसे ही भरोसा करके आंखें बंद करके उसको इस्तेमाल करते जाना अच्छा नहीं है। इसीलिए मैं टाइम लगा रही थी इस वीडियो को बनाने में, ताकि मैं अच्छे से एक बार श्योर हो पाऊँ। ये है अरोमा मैजिक की अंडर आई जेल, ओके। सो इसकी पैकेजिंग पहले दूसरी होती थी, अराउंड 6-8 महीने से मेरे पास है ये, पहले वो वाइट कलर की पैकेजिंग में आती थी, अभी ये आती है कुछ इस तरीके के पैकेजिंग में, आई होप यू कैन सी, सो अभी आती है कुछ इस तरीके से। तो मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ, अगेन इसमें कुछ अच्छे खासे इंग्रेडिएंट्स हैं, नेचुरल रेजिन, इसमें कुछ भी यू नो हार्मफुल केमिकल्स वगैरह नहीं है, पैराबेंस नहीं है, ब्लॉसम कोचर्स की तरफ से आती है, ये काफ़ी अफोर्डेबल भी है। एक चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, मैंने एक सेट मंगाया था 3 क्रीम्स का, उसमें मेरे को एक लाइक डुप्लीकेट आइटम मिल गया था, तो मैं कोशिश करूँगी आपको इसका लिंक प्रोवाइड करा दूँ, ताकि आप यू नो अश्योर हो पाएँ, क्योंकि इसके बहुत सारे फर्स्ट कॉपीज़ बिकते रहते हैं। दो इट्स अ वेरी अफोर्डेबल
हर्बल क्रीम लेक आपको 250-300 रुपये में मिल जाएगी। ओ सॉरी, इट इज़ जस्ट फॉर 195 रुपीज़। तो इसमें भी कॉपी आ गई, बताओ क्या बोल सकते हैं। तो आप वो ट्राई करें, आपको अच्छे से फ़ायदा मिलेगा, डेली आपको रात को लगाना है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ कि मैंने क्या करी थी, वो था एक उपटन। अब आप सोच रहे होंगे कि उपटन से कैसे डार्क सर्कल जा सकते हैं। ऑफ कोर्स जा सकते हैं यार, मतलब जब आप फेस को चिकना और सुंदर खूबसूरत बनाने के लिए यूज़ कर रहे हो तो व्हाई नॉट यू नो यूज़ दैट टू रिमूव योर डार्क सर्कल्स। ट्राई इट। आपको क्या करना है, सिर्फ उपटन बनाना है, हल्दी, बेसन और थोड़ा सा दही, और आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं, दूध भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बढ़िया काम करता है आपके डार्क सर्कल्स के लिए। उसमें आप चाहें तो एक आध ड्रॉप इस आमंड ऑयल की भी डाल सकते हैं, काफ़ी अच्छा काम करेगा। और जब आप वो कर लें, उससे अगर आपकी स्किन ड्राई हो जाती है तो आप दोबारा से ये जो आमंड ऑयल है इसको इस्तेमाल करके और रात को लगा करके सो जाएं। पोटैटो के स्लाइस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं खीरे के। मैंने आपको मेरा रूटीन बता दिया कि मैंने क्या क्या किया था। जब भी आप बाहर जाएं, आपको मेक श्योर करना है कि आपने वेयर किया हुआ है कोई सा भी सनस्क्रीन। उसके बाद में आपको वेयर करने हैं ग्लासेस स्टाइल के लिए और अपनी आंखों को सूरज से बचाने के लिए। तीसरा चीज़ आपको करनी है, कोई सा भी होम DIY पैक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा आपको इस्तेमाल करना है डेली रात को आमंड ऑयल। और आमंड ऑयल अगर आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन हो जाती है। वैसे तो देखो यार, आंखों के आजू बाजू इस्तेमाल करना है तो ये वाला प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए, लेकिन नहीं तो आप ट्राई कर सकते हैं अरोमा मैजिक की नाइट क्रीम। इसके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं, बढ़िया हैं, और 195 रुपीज़ में यू आर नॉट यू नो इन्वेस्टिंग इन टू मच। तो आई थिंक आपको ट्राई करना चाहिए ज़रूर। सो ये वाली सारी चीज़ें मैंने करी थी और विद इन 15 to 20 days एक रिज़ल्ट आपको दिख जाना चाहिए। आई एम श्योर आपको भी दिखेगा, क्योंकि मुझे ये चीज़ दिखी है। तो सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। इतना ही सिंपल था मेरे लिए डार्क सर्कल्स को रिमूव करना। और हाँ, खाने पीने में बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, vitamin B12 आपको खाना ही है। vitamin B12 सच, टमाटर खा लीजिए, पपीता खा लीजिए, सेब खा लीजिए, आंवला पी लीजिए, यू नो वाइटामिन सी होता है उनमें, वो भी आपकी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो जब ये वाले जो सारे विटामिंस और मिनरल्स आपके यू नो बॉडी में होते हैं, तो मैंने आपको बोला ना, इंटरनल भी आपको आपकी बॉडी को इस तरीके से फीड करना है ताकि वो बाकी सारी प्रॉब्लम से फाइट कर सकें। तो डार्क सर्कल्स तो कहाँ ही अड़ते हैं। आई होप आपके लिए वाला वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। आई नो थोड़ा सा लंबा भी है, बट देन आई रियली कांट हेल्प इट। मैं आपको पूरी डिटेल बताना चाहती थी कि मैंने क्या किया है, क्या आप कर सकते हैं, क्या आपके लिए काम नहीं करेगा और क्या काम कर सकता है। सो आई होप मज़ा तो आया ही होगा और हेल्पफुल रहा होगा। ट्राई करिएगा ये वाला रूटीन और मुझे बताइएगा कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। प्रोडक्ट के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और हाँ, जो लोग यू नो आमंड ऑयल यू नो पूछेंगे कि ब्रांड कौन सा है, तो देखिए ये है और कुछ एक नेचुरल ब्रांड्स मैं आपको नीचे रिकमेंडेशन में डाल दूंगी, तो आप उनको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो है हमदर्द का रोगन बादाम शिरीन, दिस इज़ द बेस्ट। आई मीन बजाज आमंड ड्रॉप, वो बालों में लगाइए और कहीं नहीं। सो फेस के लिए वाला रहने दीजिए। मैं आपको मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक अगले अमेजिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। शेयर ज़रूर करेगा ये वाला वीडियो, बिकॉज बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल रूटीन है। सिर्फ DIY बता के अपनी जान नहीं छुड़ा ली कि नहीं अब तो काम करेगा ही, 4 दिन में चल जाएंगे, 5 दिन में चल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत रियलिस्टिक वीडियो है। पसंद आया होगा तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करेगा और लाइक ज़रूर करेगा। मैं आपको मिलती हूँ बहुत जल्दी अगले अमेजिंग वीडियो के साथ में। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड आई लव यू ऑल सो मच। बाय।